Hi guys, this is Jankira from General Study Channel. Don't forget try to build a personal logical study. तो आज डिस्कस करने वाले हैं RRB ALP टेक्नीशियन का जो कट ऑफ लिस्ट आया है, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है जी। ये हम आप देख सकते हैं RRB भोपाल के वेबसाइट पे है, ऑफिशियल साइट है जी। यहाँ पे आइएगा, लास्ट में तो आपको यहाँ पे एक सेंट्रलाइज नोटिस मिलेगा जो आप 19 जुलाई को पब्लिश किया गया है। इसमें आप इसको पहला क्लिक कीजिएगा, कट ऑफ मार्क्स फॉर रेगुलर कैंडिडेट एज पर वैकेंसी ऑफ शॉर्टलिस्टेड फॉर DB रेगुलर कैंडिडेट के लिए, और कट ऑफ मार्क्स फॉर एडिशनल कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट के लिए है। तो दो लिस्ट जारी हुआ है, एक रेगुलर कैंडिडेट यानी जो मेन लिस्ट में है और एक जो है वेटिंग लिस्ट का। तो कट ऑफ जारी किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जारी कर दिया गया है जी, जोन वाइज जारी कर दिया गया है, डिवीजन वाइज जारी कर दिया गया है, और उसके बाद जो जो पोस्ट के लिए कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन मोटर व्हीकल ड्राइवर के लिए UR का है, SC का है, ST का है, OBC का है, वैसे ये सभी टेक्नीशियन के सभी ग्रेड का है। यहाँ पे बात की जाए PCM के लिए, देखिए PCM में सिग्नल और टेलीकॉम के लिए क्या है जी, 85 है, यहाँ पे 84 है, यहाँ 85 है, 84 है जनरल के लिए, इसे SC ST का है। वैसे ही चलिए लोको पायलट का देख लेते हैं, तो ये मेन लिस्ट का है जी, सॉरी ये स्टैंड बाई लिस्ट कैंडिडेट है, और ये रेगुलर कैंडिडेट है जी। रेगुलर कैंडिडेट का देखिए PCM में क्या है, तो 88 है सिग्नल का, 87 है, और 89.84 है टेलीकॉम का जी। वैसे ही इसमें डिवीजन वाइज भी है, वैसे ही ALP का चलता है, सबसे लास्ट में ALP का है। ALP का आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का है 76.74 कट ऑफ मार्क्स है। वैसे ही ये मेन लिस्ट का है, वैसे ही वेटिंग लिस्ट का भी कट ऑफ मार्क्स दिखाया गया है। आप ये देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट का, ये रहा, यहाँ पे ALP का आते हैं देखते हैं, तो ALP का कितना है जी, तो यहाँ पे ALP का है 72 और 71 है WCR और WR का। वैसे ही आते हैं PCM के लिए, तो PCM के लिए देखिए यहाँ पे कितना है, 84 से 85 तक है। तो ऐसे ही कैटेगरी वाइज, जोन वाइज और डिवीजन वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया है RRB भोपाल की तरफ से। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Hi guys, this is Ankara from General Study Channel. Don't mock up, try to build a rational and logical study. जी हाँ, तो कट ऑफ मार्क्स आ गया है RRB कोलकाता का, RRB सिकंदराबाद एंड RRB भोपाल का। तो एक एक करके हम सबका देखेंगे जी। चलिए RRB कोलकाता का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 19/7 में ही निकला है कट ऑफ मार्क्स फॉर रेगुलर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर DV एंड पोस्ट फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। देखिए जी, उन लोगों का है जिसका कट ऑफ मार्क्स है रेगुलर यानी मेन लिस्ट में, और उसके ऊपर दिखा रहा है तो वी कट ऑफ मार्क्स ऑफ एडिशनल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर DB एंड मेडिकल। एडिशनल कैंडिडेट का मतलब है जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उनके लिए, ALP और टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मिलेगा, देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए खुल रहा है, और यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज, और इसमें भी आपको ईस्ट रेलवे था और साउथ ईस्ट रेलवे था, डिवीजन था, तो दो दो डिवीजन करके आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिखाएगा। यहाँ पे जनरल का है, फिर से SC है, फिर से ST है, फिर से OBC है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल, और यहाँ पे कोड नंबर है जो वैकेंसी नंबर है। तो PCM के लिए आपको कोड तो याद नहीं है, लेकिन आप कोड वाइज देख सकते हैं। चलिए चलते हैं लास्ट में, हम देखते हैं ALP का, तो ALP का देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 71-73 क्या है जी ALP का है, और 64-60 क्या है OBC का है। तो ALP में तो जनरल का ज़्यादा है, लेकिन और ITI ब्रांचेज में देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जी कि OBC का कटअप क्या है जी, ज़्यादा है जनरल से कहीं कहीं, तो कहीं कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है, तो ये देख सकते हैं, और इसमें जनरल देखने को मिल रहा है जी। तो ऐसा नहीं है जिसका OBC में सिलेक्शन हुआ है OBC में ही होगा, जनरल में हुआ है तो जनरल में ही होगा जी। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें क्या है, 41 नंबर जनरल का है, 42 नंबर क्या है OBC का है, 51 इसमें जनरल का है, 47 क्या है OBC का है। तो डिवीजन पोस्ट वाइज वेरी कर रहा है। तो चलिए कोलकाता का मेन लिस्ट था, वैसे ही देख सकते हैं कोलकाता का आपका वेटिंग लिस्ट का भी दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं RRB सिकंदरा का, RRB सिकंदराबाद पर आइएगा ऑफिशियल साइट पर, तो वहाँ पर आपको दिखेगा, और वहाँ से आप देखिए एडिशनल लिस्ट का है और एक फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर DB यानी मेन लिस्ट का है। तो इसको क्लिक करते हैं जी, वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट दोनों सिकंदराबाद का भी आ गया है। चलिए तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके कट ऑफ मार्क्स में, सॉरी तो इसके कट ऑफ मार्क्स हम लोग यहाँ पे है आपको
final portion will be 4 TB. तो ये सिकंदराबाद का है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें टेक्नीशियन यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड लिखा है जी, और इसका कैटेगरी लिखा है, देखिए जैसे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, ड्राइवर कम मैकेनिक का 63 नंबर जनरल का है, एससी का 53 है, ओबीसी 62 है। देखिए ओबीसी इसमें कम है, लेकिन किसी किसी पोस्ट में आइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जनरल का है, कैरेज एंड वैगन में 56 है, 57 ओबीसी का हो जा रहा है जी। तो कहीं ज़्यादा भी है कहीं कम भी है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एएलपी में आएंगे तो देखेंगे कि जनरल का ही कट ऑफ हाई है। देखिए यहाँ पे 69.58 है एएलपी का है पोस्ट, जबकि ओबीसी का है 68 है, तो यहाँ जनरल का क्या है जी, ज़्यादा है, लेकिन टेक्नीशियन में आएगा तो देखिए ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन ओबीसी में हुआ है ओबीसी में ही माना जाएगा, और उसको ओबीसी में ही वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा या मेन लिस्ट में डाला जाएगा जी। तो ये देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ निकाल दिया गया है, और इसको एनालिसिस आप कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, सबके साथ अच्छा कट ऑफ निकला है जी, और सिकंदराबाद कोलकाता और भोपाल का कट ऑफ निकल चुका है, जो जो भी इस जून में फॉर्म भरे थे एएलपी टेक्नीशियन या पीसीएम वाले सिग्नल, देखिए यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम का भी देख सकते हैं जी कट ऑफ, यहाँ पे टेलीकॉम का 83 नंबर है आसपास है, और 81-82 का है जो ओबीसी का है, और इसके बीच में है, तो यहाँ पे देखा जाता है पीसीएम का जनरली तीनों जगह सिकंदराबाद कोलकाता और भोपाल सभी में क्या है जी, हाई कट ऑफ है। तो बस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।